यही काम हुआ पूरा भाषण बाजी हुई कभी कोई पानी पत्ता रहा कोई अंबाले दार रहा छोटे छोटो झगड़ा करो हेलो पहले से भी चुप हो के बात सुनो आराम से बात सुनो आराम से सभी शोर नहीं करो बिल्कुल भी इन्होंने अब हम इकट्ठे हुए थे ये कम से कम 3-4 दिन से मैटर चल रहा था कि 14 तारीख को पंचायत होगी महापंचायत आज इस महापंचायत में कोई हल निकला कुछ नहीं निकला तो 10 दिन तो हो चुके ऑलरेडी मरे 10 दिन में कोई रिपोर्टिंग नहीं आई अंजलि को किस बात पे गिरफ्तार किया जब उनके पास कोई रिपोर्ट है ही नहीं क्या रिपोर्ट अब महापंचायत के बाद तैयार होगी कोई रिपोर्ट नहीं होगी तैयार सिर्फ सबूत इकट्ठा किए जाएंगे कि पब्लिक को कैसे गुमराह करे राजेश और उसके परिवार को कैसे बचाया जाए ये उसके परिवार वालों को ये सिर्फ ये 10 दिन के अंदर भी मामला ठंडा हो जाएगा अब फसल सबकी फसलें कट रही है सभी अपनी खेती बाड़ियों में व्यस्त हो रहे हैं पता है सरकार को कि 10 दिन में सभी अपनी खेती बाड़ी में बिजी है सभी अपना कीमती से कीमती वक्त निकाल के आए थे अपने घर से लेकिन किसी तरह का कोई आश्वासन पब्लिक को दिया नहीं गया क्या सभी इतने संतुष्ट है 10 दिन का टाइम मांगा जो तो ये हमें नहीं चाहिए एक दिन का भी टाइम नहीं चाहिए ऑन द स्पॉट सीबीआई जांच ये क्या चाहिए बेटे सीबीआई जांच चाहिए ये कर्मी में कब से खड़ा वहाँ पे इंसाफ के लिए आया वो बेटा इतना ही होगा जितना ये है सबके घर में होंगे ये बच्चे छोटे छोटे सभी यजस की इंसाफ के लिए यहाँ पे आए थे इतनी निर्मम हत्या उन्होंने उसको असहाय हत्या बना दिया है देखो मेरे यूथ जस लग रहा कर जस है यूथ जस इसकी देख लो बच्चा जस सेम जस अबर ना देख लो एक बार मेरी बात मान लो एक बार चलो मेरे भाई आई बेटा एक बार चलो जो 10 दिन का टाइम मांग रहे भाई 10 दिन तक और कोई जस मर के फिर कौन जिम्मेवार होगा इसका भाई चलो भाई आई ना जाम करे सारे भाई एक घंटे का भी टाइम नहीं भाई हेलो आक्रोश में है और एक बार फिर हाईवे जाम करने की अपील लगातार यहाँ युवाओं द्वारा की जा रही है लेकिन प्रशासन अभी समय लगातार मांग रहा है भाई मेरी बात माननी पड़ेगी चलना पड़ेगा
बार फिर हाईवे की ओर निकल चुके हैं। लगातार जो युवा है वो एक बार फिर हाईवे की तरफ निकल चुके हैं। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा एक बार फिर। जी हाँ, एक बार फिर हाईवे की ओर, एक बार फिर हाईवे की ओर निकल चुके हैं ये सारे युवा की हाईवे जाम किया जाएगा। अब ये देखना होगा पुलिस प्रशासन द्वारा किस प्रकार की जो तैयारियां हैं वो यहाँ की गई है। और अभी एसपी कार्यालय का घेराव किया गया था, लेकिन फिर एक बार फिर जी हाँ निकल चुके हैं नेशनल हाईवे की ओर और जाम करने की कोशिश यहाँ जो है की जा रही है। देखिए किस प्रकार से युवा निकल चुका है एक बार फिर नेशनल हाईवे की ओर और सैकड़ों की तादाद है युवाओं की, क्योंकि 10 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई थी उससे कोई संतुष्टि नहीं हुई है। और एक बार फिर नेशनल हाईवे की तरफ पुलिस फिर दोबारा फिर जो है अलर्ट। तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा सिंधल चल हरियाणा के साथ। देखिए किस प्रकार से सभी युवा दौड़ते हुए नेशनल हाईवे की ओर नेशनल हाईवे, तो देखिए युवाओं द्वारा पुलिस इस समय आक्रोश में है, पुलिस एक्शन भी ले सकती है। और इसके अलावा काफ़ी युवा, यहाँ सैकड़ों की तादाद में युवा निकल चुका है नेशनल हाईवे जाम करने के लिए। करनाल की सड़कों पर 12 सेक्टर की ये सड़कें, और जो कमेटी गठित की गई थी वो यहाँ से चली गई है, लेकिन युवा मानने को तैयार नहीं है, वो नेशनल हाईवे की तरफ जाना चाहते। अभी पुलिस आगे मौजूद है, कुछ भी हो सकता है, पुलिस अपना एक्शन भी ले सकती है, लाठी चार्ज भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है।